हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम टू राइडर। आज की वीडियो बना रहा हूं मैं वो हेलमेट और बाइक एसेसरीज पे बना रहा हूं। वक्त ना गवाते हुए मैं वीडियो को आगे शुरू करता हूं और मिलवाता हूं यहां के फाउंडर से। पीएम मिस्टर उत्कर्ष गुप्ता। हेलो फ्रेंड्स, अगर हमारे को डॉट सर्टिफाइड हेलमेट चाहिए हो तो कितने से स्टार्ट होता है ये? डॉट सर्टिफाइड भाई वैसे स्टार्ट हो जाते हैं 1500 रुपये से भी स्टड स्टील बर्ड में। बाकी अगर आपको एंटी फॉग और थोड़ी सी बेटर क्वालिटी चाहिए तो कम से कम आप लेके चलिए 3500। तो सबसे पहले जो हमारी बेसिक स्टार्टिंग रेंज है प्रीमियम हेलमेट्स की, वो है ये इग्नाइट का हेलमेट। IGN 4 करके सीरीज आती है। इसमें अगर आप ऐसे मैट कलर या ग्लॉस कलर में अगर आप लेते हैं यूनी कलर जो सिंगल कलर होगा वो 3500 अभी ऑफर प्राइस चल रहा है, और ऐसे अगर ग्राफिक लेंगे 3700 ऑफर प्राइस है। बट इनकी जो MRP है वो इसकी 4500 है और इसकी जो MRP है वो 4750 है। तो ये हमारे पास ही आपको ऑफर मिलेगा। फिर इसके ऊपर एक एग्जोर का ये वाला हेलमेट बहुत चलता है, एपेक्स सीरीज है इनकी, वेरमनेस ग्राफिक्स है। इसकी जो MRP है वो है 5000 रुपीज़। ये आपको पड़ेंगे 4200 फ्लैट। कोई भी कलर ले लीजिए, ये कलर। इसकी जो MRP है ये बैटमैन DC एडिशन है, तो इसकी जो MRP है वो 6500 या 5500 का पड़ेगा, 5500 रुपये। फिर ये वाला वही 4200, ये वाला 6500। फिर ये वाले जो हैं ये कार्बन फाइबर वाले आ गए, वेदर वाले, लगभग 8000 की रेंज है, 7500 के लगभग ये पड़ेंगे। फिर इसके ऊपर हमारी सीरीज आ जाती है SMK टाइफून, ये आ जाती है SMK सीरीज, जो कि हमारी ये एग्जोर की जो सीरीज आती है एपेक्स उसके बराबर में है। तो इसका जो प्राइजिंग है वो है 5150, 4300 इसका प्राइसिंग पड़ेगा। इन सारे हेलमेट जितने मैं दिखा रहा हूँ सब में डबल वाइजर आपको मिलेंगे, सब में पैडिंग रिमूवेबल, ब्लूटूथ पॉकेट, कम से कम डॉट सर्टिफिकेशन, ISI सर्टिफिकेशन ये दोनों तो होंगी, कई में आपको ECE सर्टिफिकेशन भी आपको मिल जाएगी, और सबसे अच्छी बात है कि इनमें आपको एंटी फॉग भी आपको इसमें साथ में मिलेगा। तो उसका भाई इसमें डॉट सर्टिफाइड और ECE सर्टिफाइड में क्या अंतर होता है और क्या बेनिफिट है इनका? जैसे इंडिया में ISI सर्टिफिकेशन है, अमेरिका में डॉट सर्टिफिकेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट है इसकी फुल फॉर्म, और जो ECE सर्टिफिकेशन है वो है हमारी यूरोपियन, तो इकोनॉमिक कमीशन ऑफ यूरोप ऐसे करके इसकी फुल फॉर्म है। तो हर जगह की अलग अलग सर्टिफिकेशन है। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो हमारे प्रोफेशनल राइडर्स होते हैं जो रेसिंग करते हैं उनके लिए डॉट और ECE सर्टिफाइड दोनों मैंडेटरी होते हैं। जो सबसे अच्छी सर्टिफिकेशन है इन तीनों में वो ECE सर्टिफिकेशन है, उसके जो टेस्ट होते हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं, वो थोड़े से बेटर और ज़्यादा अच्छे टेस्ट। भाई हमारे पास जो आपने बताया है कि स्टार्टिंग रेंज हमारी इग्नाइट से, इग्नाइट की क्या प्राइस है स्टार्टिंग? प्रीमियम हेलमेट्स में इग्नाइट से स्टार्टिंग है 3500। और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं? मैक्सिमम जो हमारे पास अभी रेंज अवेलेबल है 40000 तक अवेलेबल। 40000 का कौन सा हेलमेट अभी अवेलेबल है? तो ये हमारा MT का KRE+ कार्बन, ये 40000 का है। ये हेलमेट है जो कि कंप्लीट कार्बन फाइबर है, MT हेलमेट है ये, KRE+ कार्बन फाइबर इसका नाम है। बहुत सारी चीजें इसके साथ में से मिलती है। इसकी MRP कितनी होगी भाई? इसकी 40000, फ्लैट 40000। हाँ, तो और डिस्काउंट भी दे देंगे इस पे या फिर थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके अलावा LS2 के भी हमारे पास हेलमेट मिल जाएंगे, वो 38000 की रेंज है और 34000 की रेंज। हेलमेट का तो हो गया, आप ये बताएंगे अगर हमारे को अगर राइडिंग ग्लव्स लेने हो तो वो कितने से स्टार्ट होंगे? राइडिंग ग्लव्स 300 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं, बट अच्छे राइडिंग ग्लव्स कम से कम 1000 रुपये। और जो लेदर में आते हैं वो? लेदर में कम से कम आपको 2500-2500 रुपये का पड़ेगा स्टार्टिंग। और अगर कोई बिगनर्स हो जिसको स्टार्टिंग करनी है बाइक राइडिंग और तो जैकेट वैकेट लेनी है तो कितने से स्टार्ट हो जाती है? जैकेट लगभग 4000-4500 रुपये खर्च करने पड़ेंगे एटलीस्ट बिगनर में भी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो। ग्लव्स एटलीस्ट 1500-1500 रुपये तक आप कम से कम इन्वेस्ट कीजिए, और हेलमेट तो कम से कम 4000 रुपये तक आप इन्वेस्ट कीजिए अगर आप राइडिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो। और ये जो है इनका जैकेट का कलेक्शन है, यहाँ पे काफ़ी वैरायटी है, सोलेस, आयोन, DSG और राइनॉक्स, मतलब कि ऑलमोस्ट सारे ही ब्रांड हैं यहाँ पे, जो बड़े बड़े ब्रांड हैं सारे अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो ये है यहाँ पर जो है ग्लव्स का कलेक्शन है, इसमें लॉन्ग रेंजर के हैं, वाइटेरा है, DSG है और BBG हैं, बहुत सारे ब्रांड हैं, LS2 के भी लगे हुए हैं यहाँ पे, मतलब कि इतने सारे ब्रांड हैं मैं आपको बता भी नहीं सकता, काफ़ी सारे अवेलेबल हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बूट्स भी हैं इनके पास, अगर आपको राइडिंग बूट्स चाहिए बूट्स भी हैं, लगेज भी हैं, जो भी आप देख सकते हैं, आपने देखा होगा अक्सर बाइकों पे बंदे होते हैं, वो लगेज बहुत ज़रूरी होती हैं जब हम लॉन्ग रूट पे बाइक लेके निकलते हैं। हमने देख लिया साइड डिटेल कि हेलमेट कहाँ से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक हैं इनके पास अवेलेबल है।
अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए हो या फिर कुछ भी किसी प्रोडक्ट के लिए क्वेरी करनी हो, मैं अपना जो नंबर है इनका वो नीचे कमेंट में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो आप वहाँ से इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी इनके पास ये ग्लव्स जो हैं और लगेज हैं, जैकेट हैं, सारी रेंज अवेलेबल है, मतलब ये कंप्लीट राइडिंग कलेक्शन है। जो भी आपको चाहिए आप यहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको कैसा वीडियो लगा आप उसको मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं, और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट भी करके पूछ भी सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे आपको डिटेल शेयर कर दूंगा।